17 सितंबर 2024 को लेबनान के अलग अलग हिस्सों में हिजबुल्ला के पेजर डिवाइसेज में धमाके हुए। इन धमाकों में 12 लोगों की जान चली गई और करीब 3000 लोग घायल हुए हैं। लेकिन इसके अगले ही दिन यानी 18 सितंबर 2024 को पूरे लेबनान में हिजबुल्ला के वॉकी टॉकी मोबाइल में ताबड़तोड़ धमाके होने शुरू हो गए, जिनमें 20 लोगों की मौत हो गई जबकि 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और हिजबुल्ला के इतिहास में ये पहली बार है जब लेबनान में इतने बड़े स्तर पर ताबड़तोड़ धमाके हुए हों। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इसराइल ने पासा ही पलट दिया है और लेबनान में घुसे बिना ही इसराइल ने हिजबुल्ला को बुरी तरह फंसा दिया है। पहले पेजर डिवाइस और अब वॉकी टॉकी में हुए धमाकों से पूरा लेबनान दहल उठा है। आम जनता में इतनी बदहवासी है कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि उनके पास रखी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु बम है या नहीं। हालांकि इसराइल ने आधिकारिक रूप से इस हमले पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इन धमाकों के पीछे इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। लेकिन इन हमलों की वजह से अब इसराइल और हिजबुल्ला में सीधी जंग का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इसराइल के रक्षा मंत्री ने हाल ही में अपने बयान में कहा है कि हम युद्ध का एक नया चरण खोल रहे हैं। इसके लिए हमें साहस, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता की जरूरत है। वहीं वॉकी टॉकी में हुए धमाकों को लेकर अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जो वॉकी टॉकी फटे हैं उन पर जापानी कंपनी ICOM-6208T का लोगो दिख रहा है। दावा है कि जिन वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ है उन्हें ICV-82 मॉडल से रिसेम्बल किया गया था। हालांकि जापानी कंपनी ICOM का कहना है कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि लेबनान में जिन दो तरफा रेडियो डिवाइसेज में धमाके हुए हैं वो हमारे हैं या नहीं। हम सारे डिवाइस जापान में ही मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि हमने ये डिवाइस भेजे हैं, क्योंकि ये डिवाइस 10 साल पहले यानी 2014 में ही चलन से बाहर हो गए थे। आपको बता दें कि कंपनी का कहना है कि वो विदेशों में सिर्फ अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए ही अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। कंपनी का ये भी दावा है कि उसने कुछ महीनों पहले मार्केट में चल रहे उन डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को लेकर चेतावनी दी थी जिन्हें कंपनी ने चलन से बाहर कर दिया था। आपको बता दें कि जिन वॉकी टॉकी में धमाका हुआ है वो हिजबुल्ला ने 5 महीने पहले ही ऑर्डर किए थे। वहीं इसराइल ने इन डिवाइसेज को लेबनान पहुंचने से पहले ही इनमें विस्फोटक फिट कर दिया था। आपको बता दें कि पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद हिजबुल्ला घायल शेर की तरह बदले की आग में जल रहा है और अब हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरल्ला ने दो टूक कह दिया है कि वो ना ही डरेगा और ना ही पीछे हटेगा। नसरल्ला ने अपने एक बयान में कहा कि हम यहूदी दुश्मन से यही कहेंगे कि हम ना तो डरेंगे और ना ही पीछे हटेंगे। हम दुश्मन के सभी सैन्य कमांडरों को चेतावनी देते हैं कि प्रतिरोध तैयार है। हर किसी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिरोध का पलड़ा भारी रहे और वो दुश्मन पर भारी प्रहार कर सके। हम इस आतंकवादी घटना का जवाब जरूर देंगे। लेकिन इस सब के बीच कई लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि इस पूरे कांड में अमेरिका का भी हाथ है, लेकिन अमेरिका ने इससे पल्ला झाड़ लिया है। अमेरिका के एक अधिकारी का कहना है कि 17 सितंबर 2024 को इसराइल ने उन्हें ये बताया था कि वो लेबनान में कुछ करने जा रहा है, लेकिन इसराइल ने इसकी ज्यादा जानकारी नहीं दी थी।